पिछले कई दशकों से दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से कई अभियान चलाए जाते रहे। इसके बावजूद देश के कई राज्यों में इससे जुड़ी कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इसी बीच इन दिनों इसी प्रथा से जुड़ी एक ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू सामने आई है, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल राजस्थान के बहरोड से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शादी से महज दो दिन पहले दूल्हे ने ससुर को फोन कर कहा कि तिलक की रस्म में क्या क्या लेकर आ रहे हैं। जब लड़की के पिता ने कहा कि एक रुपये और नारियल की बात हुई थी, तो दूल्हा बोला मत आना, चाहे केस कचहरी कर लेना। ये मामला है अलवर जिले के शाहपुर गाँव। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए देखिए पूरी रिपोर्ट मुकेश कुमार के साथ। हेलो 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 पापा, नमस्ते। नमस्कार, क्या कर रहा हूँ? किन में ना ये छोटा मोटा काम, आज को केस है, लगन लिखो जाएगा बोर्ड के, फिर आ रहा लगन लेके ये लिखो जाएगा लगन। लगन के लिखो जाएगा लगन पत्रिका जो लिखी जाए वो, तो वही तो पूछ रहा हूँ केक के लिखो जाए। आप बताओ कैसे के लिखो जाए। हम तो आप लिखोगा ना लगन पत्रिका जैसे लिखता आया जैसे आप तो जाता रहे। केक के दे रहा हूँ, केक के ना या के लिखो जाएगा या पूछ रहा हूँ देन लेन की बताऊ क्या? हाँ तो आप बताओ। हम के बताओ, हम तो घना दिन से बता ही रखे। तो के लिखवाना था आप बताओ ना, वैसे करो वैसे करो। तो आप तो लिख रहा होगा ना आज के लिखोगे के ना? तुम मैं कोई लिखो थोड़ी जाए से के लेने देने बात। तुम बताओ कि मार था डिमांड थी तो डिमांड बताओ, डिमांड थी कौन है? एक रुपये की बात थी ना, तो फिर एक रुपये लेकर आ रहा हूँ। हाँ जी, तो रहवा दियो पापा। हैं जी, रहन दियो फिर। अच्छा लगन लेके ना आवा ना? अच्छा फिर आपका कोई बड़ा कौन है? बड़ा ना मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा समाज में वही हमारी जितना रहेगी तो वही अभी जरूरत कौन है? फिर वो तो कुछ तो नहीं कह देता हमने तो, बस आपके पैसे चाहिए 11 लाख 21 लाख 51 लाख, तुम्हारी जैसी हिम्मत होती तो बात करता इंटाल करता। हैं जी, आपने क्यों कही सार परिवार आपसे तो बात ही क्यों की करे था? हम जब आपका बड़ा था वो सब बोले साहब एक रुपया हमसे हटो चाहिए हमें तो ना। मैं कह रहा हूँ रुपया नारियल चाहिए, रुपया नारियल चाहिए सब। घर का मान भी जाए मैं ना मानू। अच्छा अच्छा ठीक है ना, ठीक है। और जो कुछ भी करो जो कर लियो, केस कचहरी जो भी करो कर लियो। ठीक है जी, ठीक है। सुरेश जी, क्या क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे साथ जी ये हो गया करीबन 8-9 महीने पहले, हमने रिश्ता किया था। कहाँ पे ये करा था? डेरा शाहपुर, शाहपुर में। अच्छा अच्छा, तो वहाँ बिचोला था हमारा यहाँ से काली पहाड़ी से। अच्छा अच्छा, तो एक रुपया और नारियल की बात हुई थी जी, उसमें सब खुश थे। और उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने कही भाई हमें तो बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए जी, पर हमने बुलेट मोटरसाइकिल कटवा ली। उसके बाद में उन्होंने कभी 11 का फोन किया, कभी बिचौला ने परेशान किया 21 दुआओ 11 लाख कभी 21 लाख। तो उसके बाद में फिर हमने उनकी वो भी सुनाई करी, बातचीत करी। हमारा सरपंच था गिलोट, फिलहाल सरपंच है, उसको बुलाया गया, ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने बात की उनसे तो बोला जी आप ऐसा करो हमारे यहाँ 5 लाख रुपये आए हुए हैं, इससे नीचे तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी। बोले जी ये गरीब आदमी कहाँ से देगा? बोले हम नहीं बता सकते कहाँ से देगा। तो बोलो जी ठीक है। तो उन्होंने मेरे कहा, मैंने प्रेशर मार के वो अपना कहाँ से भाग दौड़ करके वो पैसे लेके सेटिंग करी। उसके बाद में हम 551,000 रुपये ले कर वहाँ गए, तो वहाँ हमें मतलब कि हमारी बेइज्जती करी गई। मारपीट हुई आपके साथ? मारपीट नहीं हुई, और हमारे साथ जो लेडीज़ थी उनसे बदतमीजी हुई, उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। फिर पैसे दे दिए आपके ऑफिस? हाँ पैसे सब। वहाँ हम नाश्ता करने इस पर ही बिगड़ गई, नाश्ता करते ही हमें ऊपर बुला लिया छाइट पे। अच्छा, बोले बाइक बाइक 11 लाख रुपए, 11 अंगूठी, 11 चैन और ये ले कर आओ तो ही लेंगे नहीं लेंगे। तो फिर हमने पुलिस प्रशासन को बताया। फिर आपने मुकदमा कहाँ दर्ज करवाया? अलवर, अलवर में कोई सदर थाना